Assalamu alaikum. In previous lecture, we have seen the example of digital clock creation and analog clock creation through graphics.h library. In this lecture, I am going to explain some events related function in graphics.h and windows.h library. So, सबसे पहले हम start करते हैं अपना program, जिसमें हम देखेंगे कि जहां जहां हम mouse से click करेंगे वहां पे कोई भी event perform होना चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए हमने दो header files include कर दी हैं, एक graphics.h और एक windows. Windows.h. सबसे पहले हमें डी वर्ड के नेम से जो है है हमारे पास मौजूद, इसका हम वेरिएबल बनाएंगे स्क्रीन विड्थ का. ओके, इज इक्वल टू गेट सिस्टम. ये हमारे पास बिल्ड इन फंक्शन है जो हम कॉल करने लगे हैं मैट्रिक्स. इसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मैक्सिमम विड्थ है एक्स डायरेक्शन में वो आ जाएगी, ठीक है? टर्मिनेटर. इसी तरह डी वर्ड स्क्रीन हाइट इज इक्वल टू गेट सिस्टम मैट्रिक्स और इसमें हम पास कर देंगे एस एम सी वाई स्क्रीन. ओके, और टर्मिनेटर लगा दिया. उसके बाद हमने क्या करना है, विंडो इनिशियलाइज करवानी है, तो इनिट विंडो उसमें हम पास कर देंगे. हमने विड्थ पास करनी होती है, हाइट और स्ट्रिंग पास करनी होती है, लेफ्ट टॉप और बूलियम दो वेरिएबल्स होते हैं जो कि ऑप्शनल होते हैं. तो इसमें हम क्या करेंगे, स्क्रीन विड्थ और स्क्रीन हाइट के जो हमने ऊपर वेरिएबल डिफाइन किए हैं उनको पास करेंगे, ठीक है? इसी तरह स्क्रीन एच ई आई जी एच टी हाइट ब्लैंक स्ट्रिंग, देन हमारे पास -3 -3 और हमने टर्मिनेटर लगा दिया, ठीक है? उसके बाद हमने ये करना है कि हमने पॉइंट टाइप का वेरिएबल बनाना है. ये सारी हमारे पास बिल्डिंग जो है मौजूद हैं ऑप्शंस, इसको हमने सिर्फ कॉल करना होता है. तो कर्सर पॉइंट के नेम से हमने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है? देन हमने गेट कर्सर पोजिशन का फंक्शन कॉल करना है, कर्सर पोजिशन, और उसमें हमने पास कर देना ये जो हमने ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया है इसका एड्रेस कर्सर पॉइंट, ठीक है? ये हमारे पास क्यों यूज होता है, ये हमारे पास यूज होता है कर्सर पॉइंट. जब हम इसका एड्रेस पास करेंगे तो एक्चुअली जो भी हमारे माउस का पॉइंट बन रहा होगा उसको गेट करने के लिए होता है, ठीक है? पोजीशन गेट करने के लिए. और वहां पे अब जो हमने इवेंट ड्रॉ करवाना है या परफॉर्म करवाना है वो हम करेंगे. तो मैंने यहाँ पे सर्कल को क्रिएट करना है, जैसे जैसे क्लिक होता जाएगा तो यहाँ पे मैं यूज करूंगी उसी वेरिएबल को कर्सर पॉइंट डॉट एक्स, ठीक है? हमें तीन वेरिएबल्स और या आर्गुमेंट्स पास करने होते हैं, एक्स और वाई लोकेशन, कर्सर पॉइंट डॉट वाई, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, लास्ट में हमारे पास होता है रेडियस. तो हम कहते हैं जी हमारे पास 100 रेडियस है, ठीक है? अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. लास्ट में हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, जो हम हमेशा यूज करते हैं गेट सी एच फंक्शन. अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ गया. ये देखें, मेरा माउस जो था वो यहाँ पे था तो मेरी आउटपुट भी यहाँ पे क्या आ रही है कि सिर्फ एक दफा सर्कल ड्रॉ हो गया. तो अब मैंने अगर इसको चेंज करना है कि मेरे पास जहां जहां माउस चाहे वहां वहां पे मेरे पास क्या आना चाहिए, सर्कल ड्रॉ होकर आना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाइल लूप लगा देते हैं, वाइल वन का जो कि टू रहेगा, ठीक है? यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट की और इसको हमने जाके क्लोज कर देना है सर्कल में, ठीक है? आप जरूरी नहीं है सर्कल ही क्रिएट करें, आप इसकी जगह कुछ भी इवेंट परफॉर्म करवा सकते हैं. एग्जीक्यूट करते हैं इसको. ये देखिए, अब हमारा जहां जहां पे भी माउस जा रहा है वहां वहां पे सर्कल्स क्रिएट होते जा रहे हैं, ठीक है? अब अगर हमने डिले क्रिएट करना है, अब हमें पता नहीं चल रहा कि एक सर्कल था तो दूसरा एक फौरन से क्रिएट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डिले का फंक्शन यूज कर लेंगे. डिले आप जितना भी मिली सेकेंड्स का डिले देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 का दे दिया. अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं. अब देखें थोड़ा सा पॉज आ गया है सर्कल्स क्रिएट होने में, ठीक है? इसी तरह से आप इस डिले को इंक्रीज भी कर सकते हैं. ओके, अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करते हैं.
इसको यहाँ से हम डिले और यहाँ से ये चीज रिमूव करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं प्रोग्राम को। उसमें हम ये करेंगे कि जहां जहां पे हमारा माउस की जो की है राइट की या लेफ्ट की क्लिक हो तो क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। अभी हम सिर्फ और सिर्फ माउस को मूव कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चाहिए होंगे दो वेरिएबल्स, हम ले लेते हैं एम एक्स और एम वाई के नेम से, ठीक है। इसी तरह से पॉइंट टाइप का हमारे पास वेरिएबल होगा, वाइल लूप लगाया हुआ होगा। क्यों लगाया होगा वाइल लूप? कॉज हमने बार बार वही एक्शन परफॉर्म करना है। अगर विदाउट वाइल लूप करेंगे तो उसी तरह से एक दफा वो एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। इसी तरह से गेट कर्सर, कर्सर की पोजिशन वाला फंक्शन कॉल होगा। देन हमने ये करना है कि एम एक्स वेरिएबल में हमने कर्सर पॉइंट डॉट एक्स स्टोर करवा लेना है, ठीक है। जैसे अभी हम कर रहे थे सर्कल के लिए, इसी तरह हमने करना है y में, एम वाई में इज इक्वल टू कर्सर पॉइंट डॉट y की वैल्यू स्टोर करवा लेनी है। अब हमने कंडीशन लगानी है इफ की, एक बिल्ड इन फंक्शन होता है हमारे पास गेट a सिंक, ठीक है। हमने अब ये करना है कि हमने चेक करना है कि कोई अगर हमारे पास की जो है प्रेस हुई है माउस की, तो उसके लिए क्या होगा, ए सिंक की स्टेट ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। उसमें हमारे पास क्या होता है, ये देखें int virtual key, हमारे पास different types की virtual keys जो हैं available हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास left और right को हमने check करना है, तो हम करते हैं virtual key underscore left button अगर press हुआ है mouse का, ठीक है। तो उस base पे क्या action perform होना चाहिए, उस base पे हमारे पास एक bar draw हो जानी चाहिए। तो if की condition के अंदर इस block में हम देख देते हैं bar का function। आप कोई भी function यहाँ पे building use कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, अगर हम सिंपल पॉइंट्स देना चाहें तो हम सिंपल पॉइंट्स भी दे सकते हैं, और अगर हम इसको थोड़ा सा जनरल रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एम एक्स पॉइंट ले रहे थे हम यहाँ पे, ठीक है। एम एक्स कर देते हैं प्लस 100 करना चाहें तो कर सकते हैं, या सिंपल यही रहने दें एम वाई, ठीक है। साथ ही हमने क्या कर दिया है, एम एक्स प्लस 100 कर देते हैं और एम वाई प्लस 100 कर देते हैं, ठीक है। बार में हमें पता है कि हमारे पास क्या होते हैं, 4 आर्गुमेंट्स पास हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से हम अगर डिले का फंक्शन यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इसको ऐसे ही एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आ रही है। ये देखें, जहां जहां पे हमारे पास माउस जा रहा है वहां वहां पे हमारे पास बार्स प्रिंट होकर आ रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा प्रोग्राम था जिसमें हमने देखा कि किस तरह से माउस की मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम इवेंट जनरेट करवा सकते हैं, या अगर हमने माउस की जो कीज हैं उसको क्लिक किया तो हम कैसे इवेंट्स को जनरेट करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा उसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम जो कीबोर्ड की कीज हैं उसको प्रेस करें तो हमारे पास एक्शन परफॉर्म होता है। बाकी स्टार्ट की हमारे पास वही स्टेटमेंट्स रहेंगी। अब हमने ये करना है कि सबसे पहले हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं जो कि हम आगे जाके यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, हमने करना ये है कि हमने एक कार ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसमें रेक्टेंगल होगी, उसके टायर्स होंगे जो कि सर्कल्स की फॉर्म में होंगे, रोड होगी हमारे पास जो कि लाइन की फॉर्म में होगी, और हमने ये करना है कि हमने उसको कीज के थ्रू मूव करवाना है, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि रेक्ट पोजिशन x का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हमने असाइन कर दिया 100, कि हमारी रेक्टेंगल कहाँ पे ड्रॉ होना स्टार्ट हो उसके लिए हमने ये लिया है, ठीक है। इसी तरह सर्कल 1 पोजीशन ले लेते हैं वेरिएबल, और उसको x कोऑर्डिनेट हम कहते हैं कि वो हमारे पास इक्वल है 200 के, ठीक है। इसी तरह सर्कल जो हमारे पास दो टायर्स होंगे तो हमने 2 पोजिशन ले ली कि ये हमारे पास इसकी जो x की कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो क्या होगी, 500 होगी, ठीक है, कि कहाँ पे आएगा ये। इसी तरह हमने स्पीड ले ली एक वेरिएबल जो हमने 10 ले लिया। आप इंक्रीज करके और डिक्रीज करके देख सकते हैं कि कैसे इसका डिफरेंस आएगा हमारी कार की स्पीड पे। ओके, उसके बाद हमने ये करना है कि सबसे पहले हम ये करते हैं सेट कलर कर लेते हैं। हमने पहले ड्रॉइंग करनी है, उसके बाद हमने देखना है कि हम मूवमेंट कैसे करवाएंगे। तो सेट कलर हमने कर लिया रेड। देन हमने यही काम करना है कि हमने रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। प्रीवियस एग्जांपल्स में हम ये करते आए हैं, तो रेक्टेंगल का फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। इसमें हम पास कर देते हैं फर्स्ट वेरिएबल रेक्ट पोजीशन
x का जो हमने लिया था, ठीक है, जो कि हमने 100 वैल्यू असाइन की हुई है, देन हम पास करते हैं सेकंड टॉप वैल्यू 300, देन हम अगेन पास कर देते हैं रेक्ट पोजीशन x, ठीक है, प्लस 500. आप कांस्टेंट वैल्यूज देके भी देख सकते हैं, बट उसमें ये होगा कि हमने कार को मूव करवाना है तो हम आगे उसको क्या करते जाएंगे, उसकी वैल्यूज की जो लोकेशन है वो चेंज होती जाएंगी, ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है. ओके, 511 हमने लास्ट वैल्यू दे दी. उसके बाद हमने ये करना है, अगेन हमने सर्कल्स को या टायर्स को ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, सेट कलर कर लेते हैं कि किस कलर के हमारे पास सर्कल्स आने चाहिए. वो आने चाहिए ब्लू कलर के, तो हम करते हैं ब्लू कलर. उसके बाद हमने सर्कल का फंक्शन कॉल करना है, सर्कल. सबसे पहले हमने लिया हुआ था सर्कल 1 पोजीशन x, तो हम ये पास करते हैं, ठीक है, साथ में हम पास कर देते हैं 600, और फिर हम कहते हैं रेडियस हमारे टायर का होना चाहिए 50, ठीक है. इसी तरह दूसरी दफा भी हम सर्कल का फंक्शन कॉल करेंगे, इसमें हम पास कर देते हैं, इसमें हमने 1 पास करना था, इसमें हमने 2 पास करना है सेकेंड टायर के लिए, तो सर्कल 2 पोजिशन x, ठीक है. उसी तरह से हमने जो इसका y है सेम लेना है, ताकि दोनों की हाइट टायर्स की सेम रहे और सेम रेडियस हो, तो 50 हमने इसमें भी पास कर दिया, ठीक है. उसके बाद हमने ये करना होगा कि हमने लाइन ड्रॉ करनी होगी, रोड जिसके थ्रू हमारे पास होगी, जिसपे हमारी कार डिस्प्ले हो रही होगी, तो ये काम भी कर लेते हैं. सेट कलर हम कर लेते हैं उसके लिए ग्रीन, ठीक है. उसके बाद हम कहते हैं हमने लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन के लिए फंक्शन कॉल होता है, उसमें हम क्या पास करते हैं, जीरो से स्टार्ट हो, ठीक है, 670 सेकंड उसका हमने ले लिया. देन हम कहते हैं स्क्रीन विड्थ, जो वेरिएबल हमने ऊपर लिया हुआ था, ठीक है, स्टार्ट में ही. उसके बाद हम कहते हैं अगेन 670 उसकी बाय 2 की वैल्यू हो जाए, ठीक है, हाइट सेम रहे लाइन की, ताकि स्ट्रेट लाइन हमें शो हो, ठीक हो गया. चलें इसकी आउटपुट हम देखते हैं कि आउटपुट हमें क्या शो हो रही है. यहाँ पे हमारे पास कैपिटल पी आएगा, तो उसको कैपिटल कर देते हैं. ये देखिए हम आउटपुट हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ रही है, ठीक है. अब हमने अगर ये करना है कि हमने अपनी रेक्टेंगल को भी थोड़ा बोल्ड करना है, ठीक है, प्रोमिनेंट करना है, टायर्स को भी प्रोमिनेंट करना है और रोड को भी प्रोमिनेंट करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कोड चेंज करना पड़ेगा. कैसे करेंगे वो देखते हैं. इसके लिए हमें सबसे पहले हम यहाँ पे लूप लगाते हैं फॉर का, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 19 एंड आई प्लस प्लस, ठीक है. ये वाली जो लाइन होगी अब इसके अंदर आ जाएगी, तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या है. 19 तक और लेस देन एंड इक्वल टू 19 कर देते हैं इसे. यहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा इसकी पोजिशन को, माइनस आई 300 माइनस आई, ठीक है, और यहाँ पे प्लस आई और प्लस आई. अब क्या होगा, 19 टाइम्स जो है ये आइट्रेशन होती रहेंगी, तो उसकी वजह से हमारी जो रेक्टेंगल है वो प्रोमिनेंट हो जाएगी. एग्जीक्यूट करके देखते हैं. ये देखिए हमारी रेक्टेंगल जो है प्रोमिनेंट हो चुकी है. इसी तरह से हमें सर्कल्स के फंक्शंस के साथ भी करना है. उसमें हम लूप लगाते हैं. यहाँ पे हम लूप लगाएंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू, उसको स्टार्ट करेंगे हम 50 से, और i लेस देन एंड इक्वल टू जाएगा 69 तक, ठीक है, एंड i प्लस प्लस हो जाएगा, और अंदर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी तरह से हमें चेंज करना पड़ेगा. यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा कि 50 की जगह हम आई कर देंगे, ठीक है. इस तरह से नंबर ऑफ आइट्रेशंस ज्यादा हो जाएंगी और हमारा जो सर्कल्स हैं वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे. ये देखिए अब हमारे पास इस तरह की आउटपुट आ गई, ठीक है. अब हमारा काम ये है कि हमने कीज पे चेक लगाना है कि जब भी हम की प्रेस करें, लेफ्ट की या राइट की, तो हमारे पास कार मूव होनी चाहिए, तो उसको चेंज करके देखते हैं कोड को. उसके लिए उसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा था, हमारे पास कंडीशन आ जाएगी इफ की. उसमें हमारे पास ये होगा कि हम कंडीशन लगाते हैं इफ, जो हमने फंक्शन पढ़ा था, गेट एसिंक की स्टेट, ठीक है, वर्चुअल की हमारे पास अगर, तो क्या है,
लेफ्ट प्रेस हो रही है, लेफ्ट की प्रेस हो रही है, तो हमारे पास डिफरेंट वर्चुअल कीज अवेलेबल होती हैं, बट अभी हम लेफ्ट पे कंडीशन लगा रहे हैं, तो होना ये चाहिए कि लेफ्ट साइड पे मूवमेंट स्टार्ट हो जाए रेक्टेंगल की। तो उसके लिए हम क्या कंडीशन लगाएंगे, हम कंडीशन लगाएंगे जो हमने ऊपर वेरिएबल लिया हुआ था रेक्ट पोजिशन एक्स का, उसमें स्पीड उसकी क्या हो जाए, माइनस हो जाए। ठीक है, सेम हमारे पास इस तरह से होना चाहिए कि जैसे रेक्टेंगल लेफ्ट साइड पे मूव हो रही है तो सर्कल्स भी लेफ्ट साइड पे मूव होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए भी हम यही काम करेंगे जो हमने ऊपर वेरिएबल्स लिए हैं, सर्कल वन पोजीशन एक्स का, उसमें भी हमने क्या करना है, टेन टेन करके माइनस करते जाना है, तो हमने स्पीड माइनस कर दी। इसी तरह सर्कल टू पोजिशन एक्स का जो हमने वेरिएबल लिया हुआ था, उसमें भी हमने स्पीड को माइनस करते जाना है। ठीक है, ओके, इसका मतलब है लेफ्ट पे हमने कंडीशन लगा दी है, अब यही काम हमने क्या करना है, राइट की पे भी करना है। तो एल्स इफ की कंडीशन के साथ हम यही काम रिपीट कर देते हैं। ठीक है, हम कहेंगे कि अगर हमारे पास ये काम हो रहा है कि गेट ए सिंक की स्टेट हमारे पास लेफ्ट की जगह क्या है, राइट है, आर आई जी एच टी, तो क्या हमारे पास एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, हमारे पास ऑपोजिट एक्शन परफॉर्म हो जाना चाहिए कि यहाँ पे हमने माइनस किया है तो हमने राइट साइड पे अब जब करवाना होगा मूव, तो हमें स्पीड को क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली एड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस की जगह हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए, अब मैं राइट की प्रेस करूंगी तो ये देखिए हमारे पास मूव तो हुई बट चली गई आउटपुट। ठीक है, इसका मतलब हमें डिले क्रिएट करना पड़ेगा जैसे कि हम पहले करते आए हैं। दूसरा काम हमें ये करना पड़ेगा कि रिपीटेशन के लिए हमें वाइल वन की लूप की जरूरत पड़ेगी, तो हमें उसी तरह से जैसे हम पहले लगाते आए हैं यहाँ पे भी हमें वाइल वन का लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम क्लोज कहाँ पे जाके करते हैं, एंड पे जाके यहाँ पे, और इसके अंदर हमें चाहिए होगा डिले का फंक्शन। कितना डिले आपने देना है वो आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे अगर 5 मिलीसेकंड्स का डिले देती हूँ तो करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। और सेम उसी तरह से आप जो अपनी रोड की जो लाइन आपने ड्रॉ की थी वो उसको आप प्रोमिनेंट करने के लिए यहाँ पे भी आप लूप मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी लूप लगा देती हूँ, इंट आई इज इक्वल टू, मैं कहती हूँ कि ये स्टार्ट होगा 670 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने 670 पॉइंट दिया हुआ है, उसके बाद आई कहाँ तक जाना चाहिए, 689 तक जाना चाहिए, लेस देन एंड इक्वल टू 689 तक जाए। ठीक है, और हमारे पास आई क्या हो जाए, प्लस प्लस हो जाए, देखते हैं प्रोग्राम की क्या आ रही है। देखिए हमारी लाइन भी परमानेंट हो गई है, अब हम आगे मूव करवा रहे हैं तो हमारी कार आगे भी मूव कर रही है, और अगर हम उसे बैकवर्ड लाते हैं तो बैकवर्ड भी, बट हमने क्लियर डिवाइस का फंक्शन यूज नहीं किया तो हमारी जो प्रीवियस आउटपुट है वो रिमूव नहीं हो रही। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे क्लियर डिवाइस का फंक्शन यूज कर लें, एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ये देखें ये हमारी कार आगे भी मूव हो रही है और राइट साइड पे भी मूव हो रही है। ठीक है, अब मसला ये आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको फ्लिकरिंग नजर आ रही होगी, इसको रिमूव करने के लिए भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है, वो देखते हैं। उसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है इंटीजर टाइप का, इंट पेज इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, उसके बाद हमें सेट एक्टिव पेज करना होता है, उसका फंक्शन कॉल करना होता है, और सेट विजुअल पेज का फंक्शन कॉल करना होगा, और क्लियर डिवाइस को स्टार्ट में लेकर आना होगा। ठीक है, अभी हमने लास्ट में रखा हुआ है, इसको हम ले आएंगे स्टार्ट में उठा के। ठीक है, व्हाइल लूप स्टार्ट। ठीक है, और साथ ही हमने कहा कि हमें फंक्शन कॉल करना है सेट एक्टिव पेज का, और इसमें हमने वो वेरिएबल पेज पास कर देना है, फर्स्ट टाइम उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, उसके बाद सेट विजुअल पेज वन माइनस पेज। ठीक है, ये हमारे पास बिल्ड इन फंक्शन है,
और उसके बाद हमारा क्लियर डिवाइस का फंक्शन आ गया। लास्ट में हमने क्या करना है कि हमने इस पेज की वैल्यू को चेंज करते जाना है हर दफा, तो ये होती जाएगी 1 - पेज। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब देखें हमारी आउटपुट बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन था जिसकी वजह से फ्लिकरिंग जो है बिल्कुल रिमूव हो गई है। ये सेट एक्टिव जो ग्राफिक्स पेज का आपके पास ऑप्शन है, ये इसलिए है कि जरूरी नहीं है कि ये जो आपको ग्राफिक्स विंडो नजर आ रही है यही आपकी सिर्फ ग्राफिक्स जो पेज है आपने क्रिएट किया है, बल्कि इसके अलावा भी मल्टीपल ग्राफिक्स पेजेस हो सकते हैं जो कि graphics.h लाइब्रेरी में इंक्लूड है, जो कि मे भी आपको ऑन स्क्रीन नजर ना आ रहे हो। ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, आपकी जो आउटपुट है वो ज्यादा जो है बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको नजर आती है। जैसा कि हमने पहले किया था तो विदाउट ग्राफिक्स पेज एक्टिव किए किया था तो उसकी वजह से हमारे पास फ्लिकरिंग आ रही थी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं मल्टीपल ग्राफिक्स पेजेस को यूज कर सकते हैं C++ में graphics.h हेडर फाइल को इंक्लूड करवाते हैं। तो ये सिंपल से प्रोग्राम्स थे जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम कीज को जब प्रेस करते हैं तो उसके थ्रू हम कैसे इवेंट्स जनरेट करवा सकते